हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक मान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आर्या फोटोन फाउंडेशन क्लासेस में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 9th क्लास का नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम होगा इज मैटर अराउंड अस प्योर। कि मैटर जो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था मैटर इन आवर सराउंडिंग, और वहां हमने पढ़ा है कि सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, इवेपरेशन, और एक स्टेट को दूसरी स्टेट में कैसे बदलता हूँ वो सब आप पढ़ गया होगी। कैसे कन्वर्जन किया जाता है कि मैं एक स्टेट को दूसरी स्टेट में बदलना चाहता हूँ, मैं एक सॉलिड को लिक्विड में बदलना चाहता हूँ तो प्रोसेस क्या होगा, लिक्विड को गैस में बदलना चाहता हूँ प्रोसेस क्या होगा, और किस कंडीशन पे होगा वो सब आपको पता है। इस चैप्टर में हम लोग क्या करते हैं, देखो मैं पहले बता देता हूँ कि चैप्टर अपना इज मैटर अराउंड अस प्योर, सेकेंड चैप्टर है, चैप्टर नंबर सेकेंड, नाइन्थ क्लास चैप्टर नंबर सेकेंड। अब देखो मैटर मैंने आपको पढ़ाया था, जैसे आपने स्टार्ट किया था मैटर, और आपने कहा कि सर मैटर इज एनीथिंग विच इज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी ऐसी चीज जिसका मास हो और स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको आपने क्या नाम दिया था, भी मैटर नाम दिया था। अब देखो मैटर की प्रॉपर्टी बेसिस पे मैटर को मैं डिवाइड करता हूँ दो पार्ट में, मैटर दो टाइप्स के होते हैं या उनकी प्रॉपर्टी बेसिस पे। तो फर्स्ट आपका जो मैं कहता हूँ वो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, सेकेंड आपके पास क्या होती है अभी केमिकल प्रॉपर्टीज। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में, अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, उन्हीं के बेसिस पे। आप फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी आपने क्या पढ़ा, अट्रैक्शन फोर्स के बेसिस पे, कि किस स्टेट में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा, लाइक सॉलिड लिक्विड गैस आपके पास तीन स्टेट थी और तीन स्टेट में भी अट्रैक्शन फोर्स किस में ज्यादा है वो आप डील करते थे, तो उसी के बेसिस पे आपने डिवाइड किया सॉलिड स्टेट, आप बात करते थे लिक्विड स्टेट, और आपने बात किया किसका भी गैसियस स्टेट। अब देखो ये तीनों स्टेट आप लोग पढ़ चुके हो फर्स्ट चैप्टर में, और इनका इंटर कन्वर्जन भी आप पढ़ चुके हो कि सर टेम्परेचर बढ़ा दूं तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ा दूं तो क्या होगा, कि कौन सी स्टेट किस में चेंज होगी वो आप डील करके आए हो, इवेपरेशन क्या होता है वो सब आपको आता है। इस चैप्टर में जो आपका जो बेसिक पार्ट है वो हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज बेसिस पे। तो मैटर दो टाइप का होता है भी, एक होता है आपका प्योर, या मैं कह सकता हूँ प्योर सब्सटेंस, इसकी बात करते हैं भी प्योर सब्सटेंस, और एक अपने पास क्या आता है मिक्सचर, एक क्या आता है भी प्योर सब्सटेंस और दूसरा क्या आता है आपके पास मिक्सचर। अब देखो प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं अभी बात करेंगे, एक बार मैं फ्लो चार्ट बना देता हूँ कि प्योर सब्सटेंस भी आप बात करो तो प्योर सब्सटेंस में भी दो टाइप के होते हैं प्रॉपर्टी बेसिस पे। फर्स्ट क्या होते हैं आपके एलिमेंट्स, क्या होते हैं भाई एलिमेंट्स, और सेकंड क्या होते हैं आपके कंपाउंड्स। फर्स्ट क्या होते हैं एलिमेंट्स और सेकंड क्या होते हैं कंपाउंड्स, और एलिमेंट्स भी आपके क्या हो सकते हैं, एलिमेंट भी यदि मैं बात करता हूँ तो एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं, मेटल हो सकती है सर, नॉन मेटल हो सकती हैं, और क्या क्या हो सकती हैं सर, मेटलॉइड्स हो सकती हैं, और मिक्सचर में क्या क्या हो सकता है सर, मिक्सचर दो टाइप के हो सकते हैं, वन इज मिक्सचर कितने टाइप का हो सकता है, दो टाइप का, एक क्या होगा होमोजीनियस और दूसरा क्या होगा अभी आपके पास हेट्रोजीनियस। अब देखो ये जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करता हूं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी अगेन दो टाइप का डिवाइड कर दिया जाता है, जिसको आप लोग पढ़ोगे कोलाइडल सोल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन वैसे तो 12th में डिटेल में पढ़ाया जाता है, बट मैं यहाँ भी आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, और एक इसमें होता है क्या सस्पेंशन भी। तो इस चैप्टर में आप लोगों को क्या पढ़ना है, पहले मैं आपको प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ाऊंगा, आज की वीडियो लेक्चर में सिर्फ हम लोग प्योर सब्सटेंस की बात करेंगे, और मैं आपको कुछ एलिमेंट्स पढ़ाऊंगा कि मेटल नॉन मेटल की क्या होते हैं, मेटलॉइड्स क्या होते हैं, कैसे आप पता करोगे कि सर वो मेटल है नॉन मेटल है या फिर मेटलॉइड्स है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर आप प्योर सब्सटेंस से। तो देखो प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, नाम से ही क्लियर है, कोई इम्प्योरिटी ना हो, 100% प्योर हो, तो इसका मतलब कि वो सारे के सारे मटेरियल जो एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलके बने हो, लाइक मैं कहता हूं आपके पास क्या अभी प्योर सब्सटेंस, किसकी बात करता हूं प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस आप कह सकते हो वो सारे के सारे मटेरियल जो एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलके बना होते हैं, मतलब वन टाइप पार्टिकल का मतलब वो पार्टिकल क्या हो सकते हैं, मे बी एटम और मे बी क्या हो सकते हैं भी मॉलिक्यूल्स, मतलब वो सिर्फ प्योर सब्सटेंस जो एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलके बना होता है वो मे बी एटम हो सकता है और मे बी क्या हो सकता है मॉलिक्यूल हो सकता है। आप देखो जितने भी आप प्योर सब्सटेंस डील करते हो वो कैसे नेचर के होते हैं, जितने भी आप प्योर सब्सटेंस डील करते हो वो सारे के सारे होमोजीनियस ही नेचर होते हैं,
कैसे होते हैं भी होमोजीनियस इन नेचर, और जितने भी प्योर सब्सटेंस है उनकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या होती हैं अभी? कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट कि कितना टेम्परेचर दूं वो मेल्ट हो जाए, बॉइलिंग पॉइंट कितना टेम्परेचर दूं कि वो बॉइल हो जाए। तो ऐसे जैसे मैं कहता हूं कि उनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, जैसे मैं बात करता हूं किसकी भी, बॉइलिंग पॉइंट, और क्या हो सकता है सर, इस पार्टिकुलर डेंसिटी आपको मिलेगी, फिक्स डेंसिटी मिलेगी। सबसे पहले कहा कि प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं सर, या वो मटेरियल जो एक ही पार्टिकल से मिलके बने हुए एटम एंड मॉलिक्यूल्स, होमोजीनियस इन नेचर होते हैं, एक ही टाइप, होमो मतलब सेम, सेम टाइप एलिमेंट से मिलके बने होते हैं या पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, तो होमोजीनियस। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है सर, स्पेसिफिक मतलब जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आप पहले चैप्टर में, मैं आपको डिटेल में पढ़ा के आया हूं, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी की प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, स्पेसिफिक रहेंगी। अब देखो प्योर सब्सटेंस भी आपके डिवाइड किए जाते हैं उनकी प्रॉपर्टीज बेसिस पे, तो प्योर सब्सटेंस भी आपके कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप। यहाँ पे अभी आपने कहा कि प्योर सब्सटेंस भी कितने टाइप का होता है, अभी दो टाइप, एक तो आप कहते हो क्या एलिमेंट, क्या होते हैं भी एलिमेंट, और सेकंड क्या होते हैं आपके पास कंपाउंड। एक तो क्या होगा एलिमेंट और दूसरा क्या होगा कंपाउंड। अब एलिमेंट क्या होते हैं सर, एलिमेंट आप पढ़ते हो कि वो सारी की सारी चीजें मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म होती है किसी भी सब्सटेंस, उसको ना तो आप क्रिएट कर सकते हो और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं, ना तो क्रिएट कर सकते ना आप क्या कर सकते डिस्ट्रॉय कर सकते किसी भी फिजिकल एंड केमिकल मेथड से, किसी भी फिजिकल एंड केमिकल मेथड से, तो उसको आप क्या नाम दे देते हो, उसको आप लोग नाम दे देते हो एलिमेंट्स। बट क्या हुआ कि जैसे टेक्निडियम एलिमेंट है, और टेक्निडियम एलिमेंट क्या है, मैनमेड एलिमेंट है, सिंथेसाइज किया हुआ एलिमेंट है भी। और 82 के बाद कुछ एलिमेंट्स हम लोग बात करते हैं, वो भी आप भी कुछ एलिमेंट्स कैसे होते हैं अभी मैनमेड एलिमेंट है। तो ये डेफिनेशन जो अभी आपने कही कि आप क्रिएट नहीं कर सकते डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है किसी भी सब्सटेंस की उसको आप एलिमेंट कहते हो, तो वो डेफिनेशन थोड़ी सी गड़बड़ में है। तो यहां से मैंने कहा कि एलिमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट आपके एक ही टाइप के मतलब एटम से मिलके बने होते हैं, मतलब वन काइंड ऑफ क्या रखता है एटम। तो एलिमेंट क्या होते हैं, विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम, मतलब एक ही टाइप के एटम होंगे, मतलब ऐसा नहीं कि उसमें बहुत सारे एटम मिक्सचर में आप बात करो तभी वो होमोजीनियस है। जैसे मैंने कहा कि आपके पास सोडियम एलिमेंट है, क्या अभी आपके पास सोडियम एलिमेंट, उस सोडियम एलिमेंट में नंबर ऑफ क्या मिलेगा आपको, सोडियम एटम। लाइक आपने कहा कि आपके पास सोडियम एलिमेंट है और उस सोडियम एलिमेंट में आपको क्या देखने को मिलेगा, नंबर ऑफ सोडियम एटम। तो यहां से आप कहते हो कि एलिमेंट क्या होते हैं, वो सारे के सारे सब्सटेंस जो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं, जैसे सोडियम एलिमेंट में नंबर ऑफ सोडियम एटम होते हैं। अब देखो इन एलिमेंट्स को अब क्या करते हो, इन एलिमेंट्स को भी फर्दर डिवाइड किया जाता है, जैसे क्या क्या होती हैं, जैसे आपके पास क्या आती हैं, मेटल आती हैं, और क्या आता है सर, नॉन मेटल आती हैं, और क्या आती हैं सर, मेटलॉइड्स आती हैं। समझते देखो आप, वैसे तो 8th क्लास में भी मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड्स आप थोड़ा वो डील करते हो। अब देखो मेटल क्या है, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा कि सर मेटल वो सारे के सारे सब्सटेंस, या आप कह सकते हो जो लस्टरस हो, मेलिएबल हो, डक्टाइल हो, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हो, तो उसको आप क्या कहते थे, मेटल कहते थे। जैसे लस्टरस का मतलब चमक आपको देखने को मिलती है, कोई भी ऐसी चीज आपको दिख जाए जिसमें चमक हो, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड मेलिएबल, मेलिएबल का मतलब क्या है, जिसको मैं थिन सीट में कन्वर्ट कर सकूं, क्या कन्वर्ट कर सकूं, वी कन्वर्टेड इनटू थिन सीट, एक पतली सीट में बना सकूं, मेलिएबल हो। सेकंड सर डक्टाइल हो, डक्टाइल का मतलब डक्ट से क्लियर है, डक्ट से समझो, मतलब जिसको आप वायर में कन्वर्ट कर सको। और क्या हो सकते हैं, जितनी भी मेटल आप लोग देखोगे गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जितनी भी वायर इलेक्ट्रिसिटी की आप देख रहे हो, वो सारी की सारी क्या होती है, मेटल से मिलके बनी होती है, कॉपर वायर, जिंक वायर, तो वो सारी की सारी किससे, एल्यूमिनियम वायर किससे मिलके क्या होते हैं भी, सारी की सारी मेटल। तो यहां से मेटल की प्रॉपर्टीज की आप बात करो, तो मेटल में क्या क्या आया, फर्स्ट मैं कहता हूं गुड कंडक्टर ऑफ, क्या कह सकता हूं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का क्या हो, अच्छा कंडक्टर हो, मतलब कंडक्ट कर सकता हो। सेकंड सर मेलिएबल हो, मेलिएबल का मतलब क्या है, जिसको मैं थिन सीट बना सकूं, मतलब कन्वर्टेड इनटू थिन सीट, जिससे क्या बना सकता हूं भाई, थिन
सीट, जिसको मैं तीन सीट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। उसके बाद क्या होगा सर, डक्टाइल होगा, कैसा होगा फिर डक्टाइल, डक्टाइल मतलब जिसको मैं वायर में कन्वर्ट कर सकूँ, डक्टाइल का मतलब क्या होता है जिसको मैं क्या कर सकूँ वायर में कन्वर्ट कर सकूँ। उसके बाद जैसा होता है ये सोनोरस होता है, सोनोरस का मतलब क्या होता है, जैसे आप किसी भी मेटल को बीट करोगे तो आपको साउंड प्रोड्यूस करेगी, क्या प्रोड्यूस करेगी भी साउंड, तो इसलिए आप उसको क्या करते हो सोनोरस। और लास्ट क्या होता है लस्टरस, हो लस्टरस मतलब कि मेटल में क्या मिलती है आपको चमक मिलती है, जैसे आपके पास कोई भी कॉइन देख लो उनमें सब में क्या होती है चमक होती है, सोनोरस होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मैलेबल होते हैं और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। नॉन मेटल की यदि बात करता हूँ तो नॉन मेटल एग्जैक्टली इसका उल्टा, मतलब बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेलिएबल, नॉन डक्टाइल, नॉन सोनरस और नॉन लस्टरस नेचर होता है, मतलब ना तो वो अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, ना तो आप उसको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना ही आप उनसे वायर बना सकते हैं, ना ही उनसे कोई साउंड प्रोड्यूस होती है और ना ही क्या होते हैं उनमें कोई चमक होती है, तो वो क्या होती है आपकी नॉन मेटल। और मेटलॉइड्स क्या होती है, मेटलॉइड्स वो होती है जो आपकी मेटल, वो एलिमेंट जो आपका मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो कर सकता है भी। मतलब मेटलॉइड्स क्या होते हैं, वो जो मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करे और किसकी भी प्रॉपर्टी शो करे, नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करे, तो उसको आप लोग क्या कह देते हो मेटलॉइड्स कह देते हो। अब देखो पीरियोडिक टेबल में आपको मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स डिफरेंशिएट करने आने चाहिए। सर मेटल कहाँ लाई करती है, कैसे पता लगाएं कि ये मेटल है नॉन मेटल है। देखो मेटल की आपने डेफिनेशन दी ठीक है सर, मैलिएबल, डक्टाइल और ये सब। अब मेटल को यदि आप 10th क्लास में डील करते हो तो मेटल जो आप बात करते हो तो मेटल क्या होते हैं बेसिकली, मेटल वो एलिमेंट या वो सारे के सारे एटम जिनकी टेंडेंसी हो क्या हो भी, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, जो आसानी से क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तो उनको आप लोग क्या कहते हो मेटल कहते हो। जैसे मैंने कहा कि आपके पास एक मेटल है और वो इलेक्ट्रॉन देगा, तो जैसे उसने इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या आएगा भी एम पॉजिटिव, और ये क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो इस टाइप की टेंडेंसी किसी भी एलिमेंट या एटम के पास होगी तो वही आपकी क्या होगी मेटल होगी। हम लोग एडवांस कंसेप्ट पढ़ते हैं और इन्हीं को आप लोग क्या कहते हो, इन्हीं को मैं कह देता हूं इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल या इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। आप ऐसे कह सकते हो, क्या कह सकता हूं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ऐसे आप बात करते हो नॉन मेटल्स की, किसकी बात करता हूं नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे के उल्टे समझो। यहां पे आप टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, यहां मैं किसकी बात करूंगा टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे कोई भी एटम यदि इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उनको हम लोग क्या कह देते हैं नॉन मेटल। जैसे आपके पास कोई भी एक्स एलिमेंट है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है लेता है तो क्या बनाएगा एक्स नेगेटिव। और इसी प्रॉपर्टी को, इसी नेचर को आप लोग कह देते हो जितने भी एलिमेंट होते हैं ये कैसे होते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर। कैसी नेचर होती है इनकी, इलेक्ट्रो नेगेटिव नेचर होती है। मेटल क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रो पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रो नेगेटिव मतलब नेगेटिव चार्ज है, दो चार्ज है एक पॉजिटिव और दूसरा क्या आपके पास नेगेटिव है। अब देखो पीरियोडिक टेबल में आपको कैसे पता चलेगा कि सर ये मेटल है या नॉन मेटल है, तो आपको दो ब्लॉक समझ आने चाहिए। वैसे तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, जिसमें मैं आपको एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट आपको अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि उनकी ही वैलेंसी कि उनसे कंपाउंड वो आपके अगले चैप्टर में हम लोग यूज करेंगे, इसलिए मैं आपको एलिमेंट बता देता हूं। जैसे कि आप पीरियोडिक टेबल देखते हो तो पीरियोडिक टेबल ऐसे आपको पीरियोडिक टेबल दिखती है अभी, इस फॉर्मेट में आप देखते हो पीरियोडिक टेबल, और नीचे अलग से एक ग्रुप बना दिया जाता है। देखो जो नीचे सेपरेट होता है उसको आप लोग कह देते हो क्या एफ ब्लॉक। बताऊंगा अभी आपके काम का नहीं है ब्लॉक सिस्टम, बट जो मेंशन होता है वही मैं बता रहा हूँ यहाँ पे एफ ब्लॉक। जो इस पार्ट में लाई करते हैं उनको हम लोग कह देते हैं क्या डी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्या नाम दिया जाता है अभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और उन्हीं को मैं नाम देता हूँ क्या ट्रांजिशन एलिमेंट्स, नाम दे दिया जाता है क्या ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ऐसे नाम देंगे भी हम लोग। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, इनको हम लोग नाम देते हैं क्या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्या नाम देते हैं भाई इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और इधर जो लाई करते हैं इनको हम लोग कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्या कहा जाता है अभी पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और जो यहां लाई करते हैं इनको मैं कहता हूं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और पी और एस ब्लॉक एलिमेंट्स को मिला के, लाइक मैं एस और पी को मिला के उनको कह दिया जाता है मेन ग्रुप एलिमेंट्स, क्या नाम दे दिया जाता है मेन ग्रुप एलिमेंट।
वैसे तो आप ये सब 11th क्लास में पढ़ते हो, बताने का रीजन क्या है? क्योंकि आपको वैलेंसी आनी चाहिए, आपको कंपाउंड फॉर्मेशन आनी चाहिए, जो कि आपका 9th क्लास का पार्ट है, इसलिए मैं आपको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स बता रहा हूँ। देखो एस ब्लॉक में जैसे आपके पास दो ब्लॉक होते हैं, पी में आपके पास कितने ब्लॉक होते हैं भी? 6, 1, 2, 3, 4, 5 और एक, मैं 6 ब्लॉक बना देता हूँ भी, नंबर ऑफ ब्लॉक कितने होंगे? 6। आप देखो आपके पास जो एस ग्रुप है या एस ब्लॉक आपके पास आता है, तो फर्स्ट में क्या आता है? जैसे हाइड्रोजन, फिर क्या आएगा? लिथियम। लिथियम के बाद क्या आता है भी? सोडियम। फिर क्या आएगा? पोटेशियम। फिर क्या आता है? रूबिडियम। फिर क्या आता है? सीजियम। ऐसे आपके पास एलिमेंट होंगे, या आपके एस ब्लॉक या आपके पी ब्लॉक, ये डी और ये एफ, ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो मैं ये नाम लिख देता हूँ, जैसे फर्स्ट जो आपका ग्रुप होता है एस ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप एस ब्लॉक का, तो यहाँ पे जो फर्स्ट ग्रुप है, ग्रुप नंबर फर्स्ट, उसमें जो एलिमेंट्स हैं इसको क्या कहा जाता है भी? हाइड्रोजन। क्या नाम दूंगा? हाइड्रोजन। इसका क्या नाम होता है? इसका नाम होता है लिथियम। इसका क्या नाम होता है भी? लिथियम। इसका नाम क्या होता है? सोडियम। क्या नाम होगा भी? सोडियम। इसका क्या नाम होता है? पोटेशियम। क्या नाम होगा? पोटेशियम। इसका क्या नाम होगा? रुबिडियम। इसका क्या नाम होगा? सीजियम। ये एलिमेंट्स के आपको सिंबल और नाम पता होना चाहिए। लाइक हाइड्रोजन को किससे रिप्रेजेंट करता हूँ? एच से। लिथियम को किससे रिप्रेजेंट करता हूँ? एल आई से। सोडियम को क्या लिखूंगा? एन ए। पोटेशियम को क्या लिखूंगा? के। रुबिडियम को क्या लिखूंगा? आर बी। और सीजियम को क्या लिखूंगा? सी एस। आप देखो आपको ये ग्रुप को याद रखना है। मैं कहता हूँ कि मुझे इस ग्रुप को क्या रखना है अभी? याद रखना है, इन एलिमेंट्स को याद रखना है। तो याद रखने के लिए हम लोग ट्रिक अप्लाई करते हैं क्या? तो आप ऐसे याद रखो, है ली ना की रब से, और एक और आ जाता है नीचे, फ्रांसियम फरियाद। वो अभी हम लोग डील नहीं करते, आपका यूज नहीं है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। तो आप ऐसे याद रखो, है ली ना की रब से फरियाद। आपको एक सीक्वेंस में याद होगा, है ली ना की रब से फरियाद, मतलब ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है। तो आप ऐसे कह सकते हो, है ली ना की रब से फरियाद, आप ऐसे कह सकते हो, है ली ना की रब से फरियाद। आपका एक ग्रुप याद हो जाता है, जिसको हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम और सीजियम। उसके बाद सेकंड ग्रुप, यदि मैं बात करता हूं हाइड्रोजन का सेकंड ग्रुप, तो सेकंड ग्रुप में अपने पास जो एलिमेंट्स आते हैं, सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स, वो क्या होते हैं भी? सेकंड ग्रुप एलिमेंट अपने पास आते हैं जैसे ग्रुप सेकंड, एस ब्लॉक का ग्रुप सेकंड, तो वहां पे आता है आपके पास बेरिलियम। क्या होता है? बीई, बेरिलियम। उसके बाद क्या होता है? बी बेरिलियम। फिर क्या आएगा? एमजी, मैग्नीशियम। फिर क्या आता है? कैल्शियम। फिर क्या आता है? स्ट्रॉन्टियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम। फिर आएगा बेरियम। फिर क्या आएगा? बी बेरियम। और फिर क्या आता है? रेडियम। आप देखो यहाँ पे बीई क्या होता है? बेरिलियम। बीई क्या होता है? बेरिलियम। एमजी क्या होता है? मैग्नीशियम। एमजी क्या होता है? मैग्नीशियम। सीए क्या होता है? कैल्शियम। सीए क्या होगा? कैल्शियम। एस आर क्या होगा? स्ट्रॉन्टियम। क्या होगा भी? स्ट्रॉन्टियम। और बी ए क्या होगा? बेरियम। और ये क्या होगा आपका? रेडियम। ऐसे आपके पास कुछ एलिमेंट है, इन एलिमेंट्स को आपको याद नहीं रखना, आपको सिर्फ ऊपर ऊपर एलिमेंट्स को पता होना चाहिए। जैसे बी ई आ जाए तो बी का मतलब क्या? सर बेरिलियम। अच्छा एम जी आ जाए तो मतलब क्या? सर मैग्नीशियम। सी आ जाए तो मतलब क्या? सर कैल्शियम। एस आर आ जाए तो मतलब क्या? सर स्ट्रॉन्टियम। बी आ जाए तो मतलब क्या? सर बेरियम। ये आपको पता होना चाहिए। याद रखने के लिए कैसे याद रख सकता हूं सर? तो आप ऐसे याद रखो, देखो बेर, आप ऐसे लिखो बेर, फिर आप इसको सिंपल याद रखो क्या कि बेर महंगे कर सरकार बहुत रोई। या तो एक सीक्वेंस ऐसे होता है, या फिर आप ऐसे भी पढ़ाया जाता है कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। क्या याद रखना है? बेटा, बी ई मतलब क्या है? बेटा। एम जी मतलब मांगे, सी ए मतलब कार, एस आर मतलब स्कूटर, बी ए मतलब बाप, और आर ए मतलब रोए। तो आपका सीक्वेंस बन जाएगा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। क्या बन जाएगा भी? बेटा मांगे कार स्कूटर और बाप रोए। उसके बाद जो पी ब्लॉक, ये एलिमेंट्स आपको याद हो गए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, बेरियम और रेडियम। उसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी भी? पी ब्लॉक की। किसकी बात करेंगे? पी ब्लॉक। देखो पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट है मैं एक साथ लिख रहा हूं, ऐसे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। जैसे आपके पास क्या है कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, 13 ग्रुप, ग्रुप नंबर 14,
कार्बन ग्रुप नंबर 15, नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 16, ऑक्सीजन ग्रुप नंबर 17, फ्लोरीन ग्रुप नंबर 18, क्या होता है आपके पास नियॉन, ऊपर हीलियम भी होता है। अभी मैं बात करता हूं ग्रुप नंबर 30, देखो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और ये क्या होता है थेलियम। तो बी का मतलब क्या होता है बोरॉन, बी का मतलब क्या होता है यहां पे बोरॉन। एल का मतलब क्या होता है सर एल्यूमिनियम। जी का मतलब क्या होता है सर गैलियम। आई एन का मतलब क्या होता है सर इंडियम। और टीएल का मतलब क्या होता है सर थेलियम, क्या होता है मतलब थेलियम। अब देखो अच्छा चलो एक बार सारे के सारे एलिमेंट लिख लेते हैं ज्यादा बेटर है। कार्बन, कार्बन के बाद क्या आएगा सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम, जर्मेनियम के बाद टिन और फिर क्या आएगा लेड। तो यहाँ पे ये क्या आपका कार्बन, ये क्या है सिलिकॉन, ये क्या है जर्मेनियम, ये क्या है टिन और ये क्या है लेड। यहाँ पे बात करता हूँ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और फिर क्या आएगा बिस्मथ। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और फिर क्या आता है बिस्मथ। अच्छा ऑक्सीजन में यदि बात, ऑक्सीजन ये क्या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद सल्फर, फिर क्या आएगा सेलिनियम, फिर क्या आता है टेलीरियम, फिर क्या आएगा पोलोनियम। फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन और फिर क्या आता है बी एस्टेटाइन। यहाँ पे ऊपर क्या होता है इलियम, इलियम के बाद नियॉन, नियॉन के बाद आर्गन, आर्गन के बाद क्रिप्टन, क्रिप्टन के बाद क्या आता है जिनॉन और फिर क्या आएगा रेडॉक्स। देखो आपके पास ये एलिमेंट्स आपको आने चाहिए, किस ग्रुप में लाई करता है ये भी आपको बताना चाहिए। देखो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, ऐसे आपके पास एलिमेंट है। उसके बाद जैसे आपके पास एलिमेंट क्या है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन मतलब टिन और फिर क्या आता है लेड। याद कैसे रखूं तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। कैसे याद रखना है कि बैंगन बी ई मतलब बैंगन मतलब बोरॉन, आलू मतलब एल्यूमिनियम, गाजर मतलब गैलियम, इन मतलब इंडियम और थैला मतलब थेलियम। मतलब बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ऐसे आपका एक सीक्वेंस बन जाएगा और आप उसको आसानी से याद रख सकते हो जहां पे एलिमेंट बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और क्या आता है थेलियम आता है। अच्छा इसको याद रखना है तो सर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, इस सीक्वेंस को याद रखना है तो कैसे याद रखूं तो आप इस सीक्वेंस को ऐसे याद रख सकते हो का सी गए शंकर प्रभु, मतलब का सी गए शंकर प्रभु आपके सीक्वेंस बनता है क्या का सी गए शंकर प्रभु, मतलब कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और फिर क्या आएगा लेड। टिन को मैं हाईलाइट कर रहा हूं क्यों, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद यदि मैं नाइट्रोजन फैमिली की बात करता हूं, देखो नाइट्रोजन फिर क्या आता है फॉस्फोरस, फिर क्या आता है आर्सेनिक, फिर क्या आता है एंटीमनी। एसबी का मतलब क्या होता है एंटीमनी, ये आपकी नोटबुक में क्लियर होना चाहिए कि किस एलिमेंट को क्या नाम देता हूं। बीआई क्या होता है बिस्मथ। दोबारा रिपीट कर रहा हूं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और फिर क्या आता है बिस्मथ। इसको याद रखना है सर, याद कैसे रख सकता हूं देखो सीक्वेंस बनाते हैं, याद आप ऐसे रखो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी या बेईमान भी कह सकते हो। दोबारा रिपीट कर रहा हूं नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, तो ऐसे आपके पूरा का पूरा सीक्वेंस याद हो जाएगा। अच्छा ग्रुप नंबर 16 पे आ जाते हैं जो कि ऑक्सीजन फैमिली है, मतलब ऑक्सीजन, ओ मतलब क्या होता है ऑक्सीजन, एस मतलब क्या होता है सल्फर, एसी मतलब क्या होता है सेलिनियम, एसी मतलब क्या होता है सेलिनियम, टी मतलब क्या होता है टेलीरियम और पीओ मतलब क्या होता है पोलिनियम। दोबारा रिपीट कर रहा हूं ओ मतलब ऑक्सीजन, एस मतलब सल्फर, एसी मतलब सेलिनियम, टी मतलब टेलीरियम और पीओ मतलब पोलिनियम। याद रखना है तो कैसे याद रखूं सर, तो आप इसको ऐसे याद रखो ओल्ड स्टाइल से टेपो, जैसे टेपने का मतलब आप उतारते हो नोटबुक से तो उसको क्या मैं कह रहा हूं टेपो, मतलब ओल्ड स्टाइल से टेपो। या फिर इसी चीज को मैं कैसे याद रख सकता हूं, इसी चीज को मैं ऐसे भी बना सकता हूं, देखो ओ ससी, ससी किसी का नाम है तो मैं ऐसे कह सकता हूं ओ ससी तेरा फोन, क्या याद रख सकता हूं ओ ससी तेरा फोन, दोनों चीजें आप याद रख सकते हो ओल्ड स्टाइल से टिपो या फिर ओ ससी तेरा फोन। अच्छा फिर उसके बाद ग्रुप नंबर 17 पे आ जाते हैं, देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। दोबारा रिपीट कर रहा हूं एलिमेंट, एफ मतलब क्या होता है सर फ्लोरीन, सीएल का मतलब क्या होता है क्लोरीन, बीआर का मतलब क्या होता है ब्रोमीन, आई का मतलब क्या होता है आयोडीन, ईडी का मतलब क्या होता है एस्टेटाइन। तो
तो याद कैसे रखूं, तो इसको याद रखने के लिए आप ऐसे ट्रिक बना सकते हो, फिर कल बाहर आई आंटी, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एफ मतलब फिर कल बाहर आई आंटी, ऐसे आपका सीक्वेंस रहेगा, फिर कल बाहर आई आंटी। अच्छा इसको याद रखता हूँ। एच ई का मतलब क्या होता है सर? एच ई का मतलब होता है हीलियम। क्या मतलब होगा? हीलियम। एन ई का होता है नियॉन। ए आर मतलब क्या होता है? आर्गन। के आर मतलब क्या होता है? क्रिप्टॉन। एक्स एन का मतलब क्या होता है? जिनॉन। और आर एन का मतलब एक्स ई आएगा एक जिनॉन। और ये आर एन का मतलब क्या होता है? रेडॉन। दोबारा रिपीट करते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और क्या आएगा? रेडॉन। याद रखना है तो ऐसे याद रख सकते हैं, ही ना, नाम है किसी का ही ना, और करीना, दो लड़कियां हैं, एक का नाम है हीना और दूसरा क्या है? करीना। ही ना और करीना। एक्स मतलब एक्सरे, रंगीन मतलब ईना और करीना एक्सरे रंगीन। ऐसे आपके मतलब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि कौन सी मेटल होंगी और कौन सी नॉन मेटल होंगी। देखो क्या करते हैं कि बोरॉन से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कहा कि देखो आप ऐसे लेटर बनाते चलो, बोरॉन, बोरॉन के बाद ऐसे ऐसे चलना, आपको ऐसे चलना है, ऐसे चलते जाना है कि एक मतलब वर्टिकल, फिर ओरिजेंटल, फिर वर्टिकल, फिर ओरिजेंटल, फिर वर्टिकल, फिर ओरिजेंटल, फिर वर्टिकल। एक सेकेंड में, जैसे वर्टिकल, फिर ओरिजेंटल, वर्टिकल, फिर ओरिजेंटल, वर्टिकल, फिर ओरिजेंटल, वर्टिकल, फिर ओरिजेंटल, और ऐसे चलेगा, फिर वर्टिकल, फिर ओरिजेंटल। ऐसे आपके पास सीक्वेंस बन रहा है, लेटर फॉर्मेशन हो रही है। आप देखो एक सीढ़ी आप दिख रही है, पहले आप क्या कर रहे हो? वर्टिकल ओरिजेंटल, वर्टिकल ओरिजेंटल, वर्टिकल ओरिजेंटल, वर्टिकल ओरिजेंटल, एलिमेंट है तो मैं एलिमेंट्स को क्रॉस कर रहा हूँ। वर्टिकल फिर ओरिजेंटल, वर्टिकल फिर ओरिजेंटल, वर्टिकल फिर ओरिजेंटल, वर्टिकल फिर ओरिजेंटल, वर्टिकल और ओरिजेंटल। आप देखो मैं नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ कैसे? जो भी आपके पास ये लेटर के ऊपर नीचे है, ऊपर नीचे है, ऊपर नीचे है, ऊपर नीचे है, उनको सर्कल कर लो। जैसे मैंने क्या किया कि जो भी आपकी लेटर की है ऊपर नीचे, एल्यूमिनियम काउंट मत करना, एल्यूमिनियम काउंट नहीं कर रहा हूं अभी, जो भी आपकी लेटर के ऊपर नीचे उनको मैंने काउंट किया। तो क्या है आपके पास? बोरॉन, फिर क्या आता है? सिलिकॉन, फिर क्या आता है? जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलीरियम, पोलोनियम और एस्टेटाइन। जो ये मैंने सर्कल किए हैं इनको मैं कहता हूं क्या? मेटलॉइड्स। क्या कहता हूं भाई? मेटलॉइड्स। मतलब ये दोनों प्रॉपर्टी शो करता है, मेटल की भी और किसकी भी भाई? नॉन मेटल्स की। मेटल की भी और किसकी भी भाई? नॉन मेटल। मतलब बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलीरियम, पोलोनियम और एस्टेटाइन। ये काफी कुछ एलिमेंट्स हैं जो आप किसकी तरह एक्ट करते हैं? मेटलॉइड्स की तरह एक्ट करते हैं। जो इससे ऊपर जितने भी एलिमेंट हो गए, ये इस साइड जितने भी एलिमेंट्स लाई करते हैं इनको नाम दे दिया जाता है क्या? नॉन मेटल। और इसकी इस साइड जितने भी एलिमेंट रहेंगे, डी ब्लॉक, जितने भी आपके एस ब्लॉक, तो उन सबको मैं कह देता हूं क्या? मेटल। सबको क्या नाम दे देता हूं भाई? मेटल। आप देखो मेटल की एक करेक्टरिस्टिक और आपने देखी होगी, जितने भी एलिमेंट अभी तक आपने पढ़े, एक्सेप्ट हाइड्रोजन और एक्सेप्ट हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ दूं तो आपके पास क्या मिलता है कि सारे के सारे मेटल के लास्ट में ईएम लिखा जाता है। जैसे बेरिलियम, लिथियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटासियम, ईएम ईएम आएगा भी। जैसे एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, टिन को भी छोड़ दूं तो टिन में भी ऐसा नहीं होता। जैसे आप उसकी फर्स्ट एस ब्लॉक फर्स्ट एलिमेंट की बात करते हो, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, सबके लास्ट में ईएम आएगा। जिसके भी लास्ट में ईएम दिख रहे वो क्या आपकी मेटल है। ऐसे आप मेटल एंड नॉन मेटल को डिफरेंशिएट कर रहे हो, मेटलॉइड्स को डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी आपकी मेटल है और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, मेटलॉइड्स क्या होती हैं और कितनी आपकी मेटलॉइड्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ लेक्टिटी मेटलॉइड्स हैं। और मोस्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल में आपके पास तकरीबन क्या मिलती हैं? ज्यादा से ज्यादा आपको मिलेंगी मेटल्स, और कुछ ही यदि मैं बात करता हूँ कुछ ही आपको क्या मिलती है? नॉन मेटल्स मिलती हैं। आई थिंक आपको समझ आया होगा कि मेटल, नॉन मेटल, प्योर कंपाउंड्स क्या होते हैं भी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।